बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस, जो लड़ाई, ड्रामा, मस्ती और रोमांस से भरपूर एक कंप्लीट पैकेज है, जिसे देखने के लिए लोग टीवी पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी और शूटिंग के ठप पड़ जाने से लोग थोड़े मायूस जरूर थे कि क्या पता इस बार उन्हें इस शो को देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। लेकिन बिग बॉस अपने फैंस को निराश कहाँ होने दे सकते थे। हर बार की तरह इस बार भी ये शो अपने 14 सीजन के साथ लोगों को एंटरटेन करने आ गया है। शो में एंट्री तो कई कंटेस्टेंट्स की हुई है, लेकिन यहाँ हम बताएंगे आपको टीवी की उस छोटी बहू के बारे में, जिन्होंने अपने किरदार से घर घर में अपनी पहचान बनाई है, जिन्हें अब तक कई बार हमने बिग बॉस के प्रीमियर पर परफॉर्म करते देखा है। लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस बिग बॉस के मंच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बार वो घर के अंदर धमाल मचाती नजर आ रही हैं। टीवी पर तो आप उन्हें देख ही रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लव लाइफ तक हम देंगे आपको पूरी जानकारी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी रूबीना दिलैक का जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ना तो रूबीना ने तभी शुरू कर दिया था जब उन्होंने मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया। रूबीना बनना तो चाहती थी आईएएस ऑफिसर, लेकिन सालों पहले चंडीगढ़ में हुए एक ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी, जहाँ उन्हें जी टीवी के सुपरहिट सीरियल छोटी बहू में बतौर लीड रोल काम करने का मौका मिला। इस सीरियल के किरदार में रूबीना ने अपने आप को ऐसा ढाला कि उनकी मासूमियत और सादगी के लोग कायल हो गए। ऐसे ही एक शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में एक बार फिर उन्हें किन्नर के किरदार में देखा गया, जिसे घर घर में काफी पसंद किया गया। उन्होंने लोगों के दिल पर इस कदर कब्जा किया कि फिर उन्हें कभी काम की कमी रही ही नहीं। छोटी बहू के बाद रूबीना दिलैक ने सास बिना ससुराल, पुनर्विवाह, जीनी एंड जूजू जैसे शो में काम किया। इतना ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री में रूबीना दिलैक अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए मशहूर हैं। किसी भी मुद्दे पर रूबीना बोलने से कतराती नहीं है, फिर चाहे वो मुद्दा छोटे पर्दे के पीछे का काला सच ही क्यों ना बताता हो। रूबीना भले ही इस चकाचौंध की जिंदगी को जी रही हो, लेकिन अपने करियर के लिए उन्होंने काफी पापड़ बेले हैं। कई बार उन्होंने बताया है कि शुरुआती दिनों में उन्हें 30 दिनों तक 12-12 घंटे काम किए, उसके बावजूद उन्हें पैसे 90 दिन बाद दिए जाते थे। मुश्किल हालातों में उन्होंने डबल रोल तक किए, लेकिन तब भी उनकी आखिरी 3 महीने की फीस नहीं दी गई। कई महीनों तक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन झूठे वादों के सिवाय उन्हें और कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि रूबीना सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटी। सोशल मीडिया पर बोल्ड फोटोज और बोल्ड हिदायत को लेकर कई बार रूबीना ट्रोलिंग की वजह भी बनी, लेकिन उन्होंने हर बार अपने जवाब से ट्रोलर्स की बोलती बंद की है। बताते चलें कि रूबीना अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं। बिग बॉस के घर में भी वो अकेले नहीं, बल्कि अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ आई हैं, जिनसे उन्होंने साल 2018 में शादी की थी। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उस वक्त रूबीना को छोटी बहू के सेट पर ट्रेडिशनल लुक में देख अभिनव दीवाने हो गए थे, और कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने हिमाचली रीति रिवाज से शादी रचा ली। हालांकि अभिनव से पहले रूबीना की जिंदगी में एक्टर अविनाश सचदेव भी आ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। ऐसे ही कुछ रूबीना के साथ भी हुआ था, और आज की डेट में रूबीना अपने पति अभिनव के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। अब देखते हैं कि बिग बॉस के घर में इनकी जोड़ी रियल लाइफ की तरह ही धमाल मचाती है या नहीं।
बता दें कि शो में इनके अलावा एजाज खान, निक्की तंबोली, जैस्मिन भसीन, निशांत मलकानी, शहजाद देओल और जान कुमार सानू भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।